ओ भाई, ये मेरे से डर रहे हैं, पता नहीं क्या है। दोस्तों ये मेरे पीछे बताऊं क्यों लगे पड़े हैं, ये मेरे पीछे डाइट की वजह से लगे पड़े हैं, मुझे डाइट दे दो। चलो दे रहा हूँ भाई। इधर आओ, सब आ जाओ। दोस्तों मैं बादशाह को ढूंढ रहा था, बादशाह मुझे नजर नहीं आ रहा था, वो देखो नीचे लगा पड़ा है, अकेले अकेले खा रहा है यार ये तो। दोस्तों जैसे घास आ रहे रैबिट्स को भागता हुआ देखो आप, आजा तू भी आजा रैबिट। दोस्तों टर्की बर्ड को खाते हुए भी सुकून नहीं है, ये देखो ये भी फुल फनी है। ओ भाई तोते लड़े हैं, तोते क्यों लड़े हो? इनकी फाइट मैंने पहली दफा देखी है। दोस्तों मैंने ना अपनी ब्लैक असील मुर्गी के लिए ना एक असील मुर्गा लेना है, अच्छा सा बड़ा सा। दोस्तों एक भाई के कमेंट्स आ रहे थे आप असील मुर्गा रखो, हमारे पेट्स तंदुरुस्त हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। 5-6 असील मुर्गे मैं रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको सरप्राइज देना था 5K पे, लेकिन वो सरप्राइज आप 3K पे आने वाला है। बस अब जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब मारो। मैं अपनी एक चीज को ना पेट हाउस में लेके आना भूल गया हूं, वो क्या चीज है बड़ी आप अंदाजा लगाओ। उसकी मुझे यहाँ तक आवाज भी आ रही है, मुझे खोलो, तो बस उसको खोलते हैं अब जाके। हाँ भाई आ गया मेरा कोको। इधर। दोस्तों कोको को भूख लगी हुई है मुझे लगता है। आ जा ऊपर आ जा, चीज दो, इधर आ। दोस्तों इतनी जल्दी ट्रेन हो गया ना, मुझे पता नहीं था इतनी जल्दी ट्रेन होगा ये। आ गया कोको। दोस्तों मैं इसके लिए रोटी लेने जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है, ये देखो। दोस्तों इधर मैंने ना रोटी भिगोई हुई थी सब पेट्स के लिए, तो थोड़ी सी निकाल के इसमें से कोको को खिला के देखते हैं खाता है तो। दूध तो इसके लिए मैं फिर बाद में लेऊंगा। कोको खा के देख, अच्छी लगती है? नहीं दोस्तों ये नहीं खा रहा। इधर बैठ जा, मैं आ रहा हूँ। कोको इधर बैठ जा, सिट डाउन। हाँ दोस्तों ये कैसे बात मानता है। दोस्तों एंग्री बर्ड किसी के साथ भी नहीं रहते, ये देखो जब से इनकी फी मिला ये उसी के साथ ही रहते हैं तीनों ये, वैसे किसी के साथ नहीं रहेंगे, ना उसके साथ, ना मुर्गियों के साथ, ना टर्की बर्ड के साथ। हमारे पेट्स का ना खाने पीने के बाद एक ही काम होता है, वो काम है बड़ा सो जाना। जैसे खाते हैं यहाँ आके ना, बस इन्होंने पहाड़ी बनाई हुई है, आराम से सो जाते हैं सारे। दोस्तों कोको बहुत भूखा है, इसके लिए डाइट ना बन रही है किचन में, तो बस जल्दी बन जाएगी। घास मैंने सारी ना उधर रखी थी उस साइड पे, पता नहीं यहाँ कैसे सारा गंद मचा देते हैं, खींच के हैं ये। उधर नहीं खा सकते तुम साइड पे हैं, इसी के काम है। टर्की बर्ड को देखो, टर्की बर्ड फुल मोटा हुआ पड़ा है, मजे कर रहा है मजे। दोस्तों कोको मेरे से नाराज हो गया, मैं इसको डाइट नहीं दे रहा। फाइनली तो दोस्तों कोको के लिए मिल्क आ गया है, आ जा कोको। पता नहीं दोस्तों नाराज हो गया क्या हो गया, ये मिल्क पी नहीं रहा, ये शायद कोई और चीज खाता होगा, ये मुझे पता ही नहीं है। इसके लिए मैं फीड ले आऊंगा, डॉग फीड। दोस्तों आज मैंने रोटी के 4 हिस्से किए हैं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 2 पेट्स जो हमारे बीमार है ना वो इसके अंदर खाएंगे, और बाकी सब डक्स वगैरह अलहदा तीनों में खा लेंगे। डक्स खाना आ गया, डक्स इधर आओ, आ जाओ डक्स। वो देखो हाँ, उधर जाओ। दोस्तों हमारे कबूतर एक साइड पे आए बैठे हैं, चलो भाई उधर जाओ। दोस्तों अपनी असील गोल्डन मुर्गी को मैं इसीलिए नहीं खोलता क्योंकि सारी बीमारी इसी की वजह से लगी थी, और आज मैं इसको खोल के थोड़ा सा ना घुमा फिरा देता हूँ। पता नहीं हमारे पेट्स को क्या होता जा रहा है, ये असील मुर्गी जो व्हाइट वाली है ना, जो पट्टी है, ये भी कुछ भी नहीं खा रही। इसके आगे देखो रोटी भी रखी हुई है, दाना भी रखा हुआ है। पहले वाली रोटी तो तकरीबन खत्म कर दिया, मैं और डाल देता हूँ। चलो आ जाओ। कब से हमारी डक का अंडा नहीं आया, मुझे लगता है इसके अंडे खत्म हो गए, ये कुड़क हो जानी चाहिए अब तो इसको कल बिठा के कोशिश करेंगे। दोस्तों जो हमारी ये डब घायल हुई थी ना, ये काफ़ी सही हो गई है, अब खा पी भी रही है, इसके बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बस अल्लाह ने इसको बचाया है। दोस्तों कोको बहुत खेलता है, फिर खेल खेल के थक जाता है, फिर सो जाता है आराम से, देखो अब ये सोया पड़ा है। दोस्तों अब बादशाह की तबीयत काफ़ी सेट हो गई है, ये बहुत बीमार हो गया था, ये भी पता नहीं हमारे पेट हाउस में क्या वायरस आया हुआ है, क्या बीमारी हुई है, तो समझ नहीं आ रही मुझे। तो एक हल है मेरे पास, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको सरप्राइज भी दूंगा इस बीमारी को खत्म करने का। हमारा एक पेट सही होता है दूसरा बीमार हो जाता है, एक सही होता है दूसरा बीमार हो जाता है। अब तुम्हें क्या हो गया है,
हमारे पेट हाउस में दोस्तों सिर्फ पैरट्स ही हैं जो सही के सही हैं बड़े। ए हेलो, क्या हो गया क्या हो गया? मैं दोस्तों देख रहा हूँ इन्होंने अंडे दिए हैं अभी तक या नहीं दिए, कुछ भी नहीं है अभी खाली है। कोको सुबह से कुछ भी नहीं खा रहा, इसके लिए मैंने बॉइल राइस और रोटी ये मंगवाई है। देखो ये खाता है, पता नहीं इसको क्या हो गया, उदास बैठा है बहुत। इसके आगे सब चीज़ें रख दी हैं, राइस भी रख दी हैं, दूध भी रख दिया है, फिर भी ये कुछ नहीं खा रहा। दोस्तों कोको इधर तो कुछ नहीं खा रहा, मैंने डिसाइड ये किया है इसको जूनी के पास ले जाता हूँ, उधर शायद कुछ खा ले। आ जा कोको, मैं आपको भी आज जूनी से मिलवा देता हूँ और इसको भी। दोस्तों मैं कोको को ले आया हूँ, ये जूनी किधर है? जूनी इधर आ, तेरा दोस्त इधर आ, इधर आ। दोस्तों जूनी देख रहा है ये कौन आ गया। मुझे लगता है जूनी इस पे हमला ना कर दे। हाँ हाँ देख 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 दे। दोस्तों मैं इन दोनों को ना रूफ टॉप पे ले आया हूँ और इधर इनकी देखते हैं दोस्ती लगवाता हूँ। आ जाओ जूनी, पहले आप आओ जूनी, आप आओ पहले। कोको आ जा, आ जा कोको, कोको आ जा, आ जा इधर देखो। हाँ ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है जूनी। जूनी आपने कुछ नहीं कहना कोको को, ठीक है? दोस्तों इस जगह से हमारा पेट हाउस अगर आप देखो ना, वो सामने खड़ा, वो दरख्त नजर आ रहा है आपको, वो उधर। दोस्तों इन्होंने बड़ी मस्ती कर ली है, मैं आप कोको को लेके जा रहा हूँ। जूनी आप खड़े रहो, ठीक है? आपको पेट हाउस में इसी वजह से मैं नहीं लिया था, आप तंग करते हो, ठीक है ना? बाय बाय। दोस्तों ये जो हमारी व्हाइट पेपर असील मुर्गी बीमार हुई है ना, मैं ये ड्रॉप्स ले आया हूँ, इसको मैं ड्रॉप्स और गोलियाँ दोनों खिला देता हूँ ताकि जल्दी सही हो जाए। चलो आराम से खाओ, आराम से आराम से आराम से आराम से जल्दी सही हो जाओगी, ये आपका अपना फ़ायदा खाने में। दोस्तों मैंने इसको दवाई खिला दी है, बाकी बच्चे ना बच्चे अल्लाह के ऊपर है पड़ा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जो भी हमारा जानवर बीमार हो। दोस्तों जो हमारे फ्रिल बैग वाइट हैं चले जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ ये किधर चले जाएंगे। ये इधर कुछ भी नहीं खा रहे, पता नहीं इस जगह पे क्या है पड़ा, जो भी हमारे पास आया कुछ भी नहीं खाता। दोस्तों ये अंडा है पड़ा कबूतरों का और मुझे अभी तक पता नहीं लगा ये किस कबूतर का है, कोई बैठ ही नहीं रहा ना ही दूसरा अंडा दे रहा है। अब समझ नहीं आ रही, मुझे तो वैसे लगता है ऊपर वाले का है पड़ा, येलो का। फिलहाल मैं इसको अंदर साइड पे रख देता हूँ, वो एंड वाली जगह पे, तो देखते हैं जिसने बैठना हो। ऐसे कबूतरों के सामने अंडा कभी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि फिर ये दोबारा बैठते नहीं है। कोशिश करो अगर आप अंडे चेक कर रहे हो ना, इनको दूर करके बाहर निकाल के फिर चेक किया करें। इनके काम देखो दोस्तों, ये हमारे फ्रिल बैक वाइट को डरा रहे हैं। और भाई पहले वो कुछ नहीं खा रहे, फिर तुम उनके आगे आगे खड़े हो गए, वो तो डर जाएंगे बेचारे। बेचारों को इतना पेट्स ने डरा दिया है, वो नुक्कर में घुस रहे हैं और डाइट का एक कतरा नहीं खाया अभी तक। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ा है, हमारे ये फ्रिल बैक वाइट है ना, ये अभी जा रहे हैं थोड़े दिनों के लिए, वापसी आ जाएंगे। जब ये सेट हो जाएंगे वापसी मैं इनको ले आऊंगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों हम पहुँच गए चाचा जी के सेटअप पे और इस इनको ना मैंने इधर ही रखना है। आ जाओ आ जाओ, फाइनली अब इनको मैं रख रहा हूँ। तो दिल तो नहीं है वैसे, चाचा जी से पूछते हैं क्या हो रहा है हमारे सेटअप पे, बीमारी क्यों आई हुई है? हाँ तो ये सही हो जाएंगे ना, है ना? बस ठीक है, अस्पताल में डालो इनको। दोस्तों ये चाचा जी का ये अस्पताल है बड़ा, जो कबूतर बीमार हो सारा इधर ही सही होते हैं, सारे के सारे। तो चाचा जी को दे रहा हूँ, बाकी अब इन्हीं से थोड़े दिनों बाद जब सेट हो जाएंगे ना इंशाल्लाह ले जाएंगे। और ये चाचा जी ना अपने हॉस्पिटल में छोड़े हैं, जो कबूतर भी चाचा जी का बीमार हो ना वो यहीं सेट होता है, अल्लाह करेगा हमारा। ये देखो ये जैसे ये हो गया। चाचा जी को तो आपको पता है बचपन से शौक है, उनके पास हर किस्म का कबूतर पड़ा है। मैं आपको दिखा, ब्रीडर जोड़े पड़े हैं, ब्रीडर है बड़ा। यार चेक करो माशाल्लाह, ये वाइट वाला देखो आप, वो एक उड़ गया। चाचा जी किधर गया? हाँ हाँ बाहर ही बैठा, मैं डर गया हूँ, मैं सोचा भाग गया। दोस्तों कबूतरों को हमने छोड़ दिया, वापसी पेट हाउस में जाते हैं, सब पेट्स को उधर बंद भी कर लें। चाचा जी ने कबूतर भी खोल दिया माशाल्लाह। दोस्तों मैं आपको चाचा जी के कबूतर दिखा देता हूँ, माशाल्लाह चेक करो यार। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये मेरे से डर रहे हैं, पता नहीं क्या है। मैं पेट हाउस में वापसी आ गया हूँ और जल्दी से इनको बंद करता हूँ। और मैंने जो आपको आज सरप्राइज देना था ना, मैं आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। चलो बस कर दो डक्स, पानी पी पी के बस कर दो, चलो चलो घर। जितना डक्स आराम से समझती है ना, और कोई मेरी जबान आराम से नहीं समझता। ये सिर्फ एक दफ़ा कहो ये चली जाती हैं। चले जाओ सब घर, बादशाह जी चलो चलो चलो, शाम हो गई, चलो चलो जी, खुटी 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 खुटी। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई हो आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। और दोस्तों आपको कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत बड़ा समझो, बहुत बड़ा। तो फिलहाल मेरी दो तीन मुर्गियां बाहर रह गई हैं, मैं इनको अंदर बंद करता हूँ और व्लॉग भी यही एंड करता हूँ कि मिलते हैं कल वाली वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।